पटना जिले के पुनपुन थाना क्षेत्र के जटडुमरी पंचायत के केंदुई चक गांव के समीप एक अनियंत्रित ट्रक ने आशा कार्यकर्ता को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने घंटों NH-83 को जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों की मांग थी कि जिला के आला अधिकारी आएं और मृतका के परिवार वालों को सरकारी लाभ दें, उसके बाद ही यहां से शव उठेगा। मौके पर पुनपुन थाना के प्रभारी कुंदन कुमार, पुनपुन प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार, अंचलाधिकारी इंद्रमणि कुमारी, कादिरगंज थाना प्रभारी पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना PMCH भेजा। पुनपुन से रणविजय की रिपोर्ट। बस इनके बगल में है, मेरा घर बगल में है। अभी ड्यूटी करने जा रहे हैं? हाँ, ड्यूटी जा रही थी हॉस्पिटल। क्या करना है? अब करना है वही कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए और इनको एक ठो परिवार के नौकरी मिलना चाहिए। मुआवजा कितने चाहिए? मुआवजा वही 10 लाख चाहिए, नौकरी चाहिए। सर हमेशा होता है, कभी यहाँ हुआ, कभी एक्सीडेंट होता, कभी ट्रक लाइट लगा चल जाता है सबका। हाँ, तो यहाँ के लोग कुछ करते नहीं है, क्या करेंगे सर? गांव घर क्या करेंगे? सरकार है, उसमें क्या करेंगे सर? 12 में फोर लाइन चालू होने वाला था, जो कि आज तक बताइए सर, आगे से भी फोर लाइन निकल, जितने बारी बड़े वाली गाड़ी है सब निकल सकती है उससे। बताइए कि उधर पूरी रास्ता आपको जगह खाली है, फिर भी इतना बाइक से, बताइए कभी यहाँ नहीं ले जाएगा था क्या? गाड़ी को ले जाएगा हैंडल में? देखिए हैंडल अभी सुन लीजिए, इधर हैंडल में भी जाने से भी मौत हो सकता है, हंडलवा में हेल के जाएगा। बताइए कि आज एक हुआ है, कल होगा और होगा, परसों और होगा, कब तक ऐसे करते रहेगा? ऐसा होती रहता है, बड़ हमेशा होता है। पर जांच किया जाए। दूसरी बात कि इस परिवार का सरकार का निर्देश है, सरकार का 10 लाख मुआवजा, एक परिवार का सरकारी नौकरी मांग है। जब तक आकर यहाँ जिलाधिकारी घोषणा नहीं करते हैं, तब तक यहाँ ग्रामीण जनता का आक्रोश है, लाश और गाड़ी यहीं रहेगी। अब सरकार सुशासन बाबू की है, क्या करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इधर से मांग है एक नौकरी और 10 लाख रुपया मुआवजा उचित दिलवाया जाए।